नवरात्रि आते ही पूरा शहर गरबा के रंग में रंग जाता है, साथ ही इंतजार रहता है गरबा खेलने का। इसी के मद्देनजर दैनिक भास्कर द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भास्कर गरबा का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में गरबा वर्कशॉप का आयोजन भी होता है। दैनिक भास्कर गरबा की खास बात है कि इसका इंतजार लोग कई दिनों से करते हैं और इसका नतीजा ये है कि लगातार हर साल यहाँ गरबा सीखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी श्रृंखला में प्रशिक्षु को गरबा खेलने के लिए कस्तूचंद पार्क पर आने में आसानी हो इसलिए पास मुहैया की जाती है, जिसे आज शहर के बर्टी स्थित आशीष एनेक्स स्टोर में सभी प्रशिक्षु को वितरित किए गए। साथ ही आशीष एनेक्स द्वारा गिफ्ट वाउचर भी दिए गए हैं। इस दौरान प्रशिक्षु द्वारा अपने अनुभव को साझा किया गया। हाय एवरीवन, मेरा नाम है किम देशमुख और मैंने नवभारत टाइम्स में दैनिक भास्कर में गरबा क्लासेस ज्वाइन करे थे इस साल। सो दिस आर द फाइनल्स डे और कल से हमारा वहाँ पे फाइनल गरबा शुरू होने वाला है, जो कि 4 दिन का इवेंट है। और हमें पासिस के लिए आशीष एनेक्स आना पड़ा है और वहाँ उन्होंने हमें वाउचर्स दिए हैं 500 रुपीज़ के। सो आशीष एनेक्स को थैंक यू एंड दैनिक भास्कर को गरबा के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। हरे कृष्णा, मेरा नाम काजल जितेंद्र राजा है, मैं VMV कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। थैंक यू सो मच दैनिक भास्कर मुझे इतना अच्छा पाउच देने के लिए, पासिस देने के लिए और इतने अच्छे सेशंस अटेंड करवाने के लिए। हम सबको बहुत अलग अलग काइंड्स के स्टेप्स और बाकी कॉम्बिनेशन सीखने मिले। मैं गुजराती हूँ बट स्टिल मुझे यहाँ पे कुछ नए नए स्टेप्स और बहुत अलग तरीके से खुद को हैज अ डांस बोलो या फिर गरबे में कैसे ढालना है ये भी बताया गया और कॉन्फिडेंस भी बहुत यहाँ पे बिल्डअप करवाया गया। बहुत फ्रेंक नेचर था दैनिक भास्कर वालों का, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन राजकुमार बहुत के साथ शिदिचा देशमुख की रिपोर्ट।